What's up guys, sir, hello, welcome back to my channel. So, अपना first topic आ चुका है, जो important topic अभी से start होने वाला, जहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वो है invitation skills. यहां से आपका main session शुरू हो रहा है, जहां पे ये चीजें आपको कोई नहीं बताता. ये जो होता है वो private में सिखाया जाता है, private groups में बताया जाता है, private session होते हैं इसके बारे में. तो इसको मैं private नहीं, publicly कर रहा हूं. तो जिसको भी देखना है भाई, feel free to watch. ऐसा कोई नहीं करता, अपने वीडियोस YouTube पे डालता तो है, बट वो अनलिस्ट करके रखते हैं. जब तक वो 2CC नहीं कर लेता ना, तब तक ये वीडियो से मिलता नहीं है. तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ दैट अगर आपको भी कुछ करना है तो भाई ये वीडियोस देखना जरूरी है, बिकॉज ये वीडियोस में भी कुछ आपके लाइफ में कुछ डिफरेंट ला सकता है. सो यहाँ पे हमने फर्स्ट होता है चैप्टर 1 है, इसके चैप्टर 5 चैप्टर है जो कि मैं बताने वाला हूँ. सो आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर 1, इनविटेशन स्किल्स. सो व्हाट इज स्किल्स, स्किल्स के बारे में जानना जरूरी है, राइट? तो शार्प स्किल्स कम फ्रॉम प्रैक्टिस एंड ग्रोथ, डिपेंड्स ऑन परफॉर्मेंस एज मच यू कैन लर्न यू कैन अर्न, राइट? तो शार्प स्किल्स कहाँ से आती है? प्रैक्टिस एंड ग्रोथ से. डिपेंड करता है अपना परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है? जितना हम अपना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे उतना अपना प्रैक्टिस होगा, राइट? परफॉर्मेंस जितना हम प्रैक्टिस पे देंगे, ग्रोथ पे देंगे, उतना अच्छा शार्प स्किल्स होगा, राइट? उससे क्या होगा, हम अच्छे से लर्न कर पाएंगे, ज्यादा लर्न कर पाएंगे, और उससे क्या होगा, हम ज्यादा अर्न भी कर पाएंगे. तो हमको क्या करना है, अपना प्रैक्टिस एंड ग्रोथ बढ़ाना है, ज्यादा प्रैक्टिस करना है, अपना ग्रोथ को बढ़ाना है, जिससे हमारा जो स्किल है वो शार्प होगा, और शार्प होने से हमारा जो लर्निंग स्किल है वो जल्दी होगा, और वो जल्दी होने से अपना अर्निंग भी जल्दी होगा. जितना हम लर्निंग करेंगे उतना कमाएंगे. सो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका परफॉर्मेंस जो प्रैक्टिस और ग्रोथ का परफॉर्मेंस है कितना है. सो वही बोला गया है यहाँ पे कि शार्प स्किल्स कम फ्रॉम प्रैक्टिस एंड ग्रोथ, डिपेंड ऑन परफॉर्मेंस. जितना आप लर्न करोगे उतना अर्न करोगे, सिंपल है. सो फर्स्ट हमें जानना जरूरी है वोकैबुलरी चेंज, राइट? ये चीजें, छोटी छोटी चीजें जो हमें जानना जरूरी है. So usually इस बिजनेस में डाउनलाइन अपलाइन बोला जाता है, बट हमको क्या करना है, बिजनेस पार्टनर. डाउनलाइन अपलाइन नहीं बोलना है, ये थोड़ा सा हमको चेंजेस करना है अपने लैंग्वेज पे. ये मेरा डाउनलाइन है, ये मेरा अपलाइन है, नहीं, ये मेरा बिजनेस पार्टनर है. सुनने में बहुत अच्छा लगता है, राइट? ये अपलाइन है भाई मेरा, ये मेरा सर अपलाइन है, अपलाइन है, ये डाउनलाइन है मेरा, नहीं, बिजनेस पार्टनर. ये भी बिजनेस पार्टनर है, ये भी बिजनेस पार्टनर. इसको छोटा, इसको बड़ा नहीं दिखाना. यहाँ पे छोटे बड़े की बात नहीं है, बिजनेस है, जॉब नहीं है कि भाई मैं अच्छा एम्प्लॉय है, मैं खराब एम्प्लॉय है, मैं कम करता हूँ काम तो मेरी प्रमोशन नहीं होगा, इसमें ऐसा नहीं है. जितना आप बिजनेस है, जितना आप अपना एफर्ट देंगे उतना ही आप करेंगे. तो यहाँ पे आपको बोलना है बिजनेस पार्टनर, ये मेरे बिजनेस पार्टनर है, इनके साथ हमारा बिजनेस चलते रहे. वट आता है अपने आवाज पे, काम पे वट आता है. हम लोग क्या बोलते हैं, बंदे. ये मेरा बंदे है, मेरे रिक्रूटमेंट में जो भी है ना, सारे मेरे बंदे, नहीं, ये जो भी रिक्रूटमेंट में है ना, सारे मेरे पर्सन्स. थोड़ा हैवी होना चाहिए अपना जो आवाज है ना, उसको वेट दो, बंदे को लगे कि हाँ भाई कुछ तो किया है इसने, अपने बातों में कुछ दम रखा है इसने. ऐसा होना चाहिए. आपका वोकैबुलरी चेंज करना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है? तो बोलना है कि ये मेरे जो भी रिक्रूटमेंट है ना, मेरे देख सकते हो आप जितने भी आपके है 20 बंदे, 20 बंदे पता है मेरे रिक्रूटमेंट पे, बंदे नहीं पर्सन्स बोलना है, 20 पर्सन्स है मेरे रिक्रूटमेंट, पता है 20 पर्सन्स, बंदे नहीं, बंदे उन्हें बोलते जो दोस्तों को बताया जाता है, पता है ये मेरे 20 बंदे, दोस्तों को बोल सकते हो ऐसे, बट दूसरे लोगों को नहीं. जो आपके बिजनेस पार्टनर है उनको बोलोगा कि भाई यू नो दैट आई गॉट दिस पर्सन, ही इज माई बिजनेस पार्टनर एंड ऑल दैट स्टफ, ऐसे बात करना है. और इस कंपनी को ना बोलना नहीं, कंपनी नहीं बोलना है, इस कंपनी को कंपनी नहीं बोलना है, क्या बोले, ब्रांड, ब्रांड बना देना है, ठीक है? हम लोग कोई भी कंपनी लेते हैं, आदिदास को ये कंपनी बोलते हैं, हम लोग आदिदास को ब्रांड बोलते हैं, पता है आदिदास का ब्रांड, ब्रांड का ब्रांड कंपनी, कंपनी हम लोग कभी नहीं बोलते. आदिदास हो गया, रीबॉक हो गया, नाइकी हो गया, हम उसको क्या ब्रांड बोलते, कभी कंपनी में हमारे मुंह से निकलता ही नहीं है कि नाइकी एक कंपनी है, हम एक ब्रांड है. तो इस कंपनी का भी ऐसा ही है, अब वो कंपनी बोलना ही नहीं है, फॉरएवर एक ब्रांड है भाई, समझ रहे हो? ये थोड़ी बहुत चेंजेस करना जरूरी है ताकि लोगों पे इफेक्ट हो कि हाँ बंदे के, मतलब बंदे में कुछ तो है,
बंदे में कुछ तो है, ये थोड़ी सा चेंजेस आना जरूरी है। ठीक है, ये हो गया थर्ड स्लाइड पे, जहां पे और थोड़ी थोड़ी चेंजेस यहाँ पे आपको लाना है अपने लाइफस्टाइल पे, अपने बॉडी पे। सो पॉइंट्स टू बी फोकस्ड ऑन, फर्स्ट ऑलवेज ऑन स्माइल भाई। ठीक है, स्माइल रहना आपका जरूरी है इस बिजनेस में, आपको स्माइल रखना है अपने आप को, चाहे आपको कोई भी गाली दे रहा हो, कोई भी गुस्से में आपको कोई भी बोल रहा हो भाई, मतलब यहाँ पे गुस्सा करना मतलब उसके लिए हानिकारक है। इस बिजनेस में गुस्सा नहीं कर सकते, आपके अपलाइन आपसे गुस्सा है कि आपने भाई तूने अभी तक 2 CC नहीं किया, 1 CC नहीं किया, क्या कर रहा है भाई, करना नहीं आता क्या, अच्छे से मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा है, आपको क्या कुछ नहीं करना है, सुनते रहना है एंड बी पेशेंट, स्माइल करना है ऑलवेज बी स्माइल। जब भी आप जूम मीटिंग्स पे बैठते हो, सेशंस होता है, ट्रेनिंग्स दिया जाता है, वहां पे आपको मुरझाया हुआ नहीं बैठना है। ठीक है, ऑलवेज ऑन स्माइल, कि हाँ हल्का सा स्माइल रखना है, ऐसे नहीं कि एकदम हंसना है, नहीं स्माइल रखना है ताकि लोगों को इम्पैक्ट नहीं पड़े वो कि भाई बंदा भाई एकदम लेजी है या आलसी है भाई, हंसता मतलब पूरा डूब चुका है, एकदम थुल्ला बैठा है, एकदम वेल्ला बैठा है, नहीं वेल्ला नहीं बैठना, एक्टिव रहना है, स्माइल करके रहना है एंड अच्छे से रहना, कॉन्फिडेंस ऑन हाई लेवल। सेकेंड पॉइंट, कॉन्फिडेंस इज मस्ट इन दिस बिजनेस, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। एंड बहुत सारे बंदे यहाँ पे होंगे जो कॉन्फिडेंस नहीं रहते, राइट, इनफैक्ट मी, मेरे में दम नहीं है भाई कि सबके सामने जाकर स्पीच दूं, राइट, तो वो एक प्रॉब्लम है, सबको होता है, ओवर 80% पूरे इंडिया में होता है, 80% लोगों को ये प्रॉब्लम है, समझ लो 80% लोगों को ये प्रॉब्लम है सबके सामने स्पीच देना या प्रेजेंटेशन देना, तो ये नॉर्मल प्रॉब्लम है बिकॉज हमें ये करवाया नहीं आता ज्यादा, तो कॉन्फिडेंस ऑन हाई लेवल ये आपको ट्रेनिंग में सेशंस में सीखने को मिलता है, जितना आप गलतियां करोगे उतना सीखने मिलेगा, राइट, अब देखो गलती नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं, पहले गलतियां भी होंगी, ऑलराइट, फर्स्ट सेशन में आप प्रेजेंटेशन दोगे तो थोड़ा हिचकिचाओगे, अटकोगे, थोड़ा सा मिस्टेक होगा, इट्स फाइन, कोई जज करने वाला है नहीं, बिकॉज सबको पता है कि पहले प्रेजेंटेशन में क्या होता है, सबकी हालत फटती है, मेरी फटी थी, ठीक है, बट अभी देखो मैं कैमरे के सामने कैसे बात कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका, जो लेवल अंदर का कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई, बहुत सारे बंदे का भाई स्पीच देते समय धक धक करता है, दिल पसीने छूटता है भाई, गर्म हो जाता है उसका शरीर, बट अभी मेरा भी होता था पहले, बट अभी नहीं होता। थर्ड पॉइंट आता है पिच साउंड अट्रैक्टिव, आवाज में दम होना चाहिए, कभी कैसे बात कर रहे उस हिसाब से आपका आवाज में दम होना चाहिए, हेलो सर ऐसे, ओ भाई कैसे चल रहा है, ओ लौंडे क्या है भाई, राइट, लैंग्वेज को एक बोलते ना एक लिमिट में रहना चाहिए, वो आपके अपलाइन हो या बिजनेस मैनेजर हो या जो भी हो, अपलाइन हो बिजनेस पार्टनर हो भाई, और लौंडे कैसा चल रहा है, ऐसा तो थोड़ी बोलोगे, ऑब्वियसली वो आपके बिजनेस पार्टनर है, अपलाइन बिजनेस पार्टनर है, राइट, तो हेलो सर पिच पढ़ रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, कैसे लगा मतलब, सो हाउ इज इट, ऐसे बात कर रहा हूँ, और कैसा लगा सर मीटिंग भाई, मतलब इंग्लिश ऐसे नहीं कि आपको इंग्लिश ही झाड़ना है, नहीं, सो कैसा लगा आपको, आपको और कैसा लगा सर, थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, मीन थोड़ा सा वियर्ड लगता है, तो थोड़ा सा ना अपने लैंग्वेज को सुधारना पड़ेगा यहाँ पे, छोटी छोटी बातें जहाँ पे आपको सीखने को मिल जाती है। फोर्थ आ जाता है हम लोग यहाँ पे लिसन एंड रिप्लाई एटीट्यूड, फर्स्ट हमको क्या करना है, जो भी बंदा बोल रहा है ना उसको सुन के लेना, ऐसा नहीं कि बीच में टोकना है, नहीं नहीं कभी मत टोकना इस बिजनेस में, तो कभी नहीं, बंदा बोल रहा है बोलने दो, चाहे वो बुरा बोल रहा है कंपनी के बारे में या आपके बारे में, इट्स फाइन, आपको कुछ नहीं बोलना है जब तक वो खत्म नहीं करना कर रहा है ना, तब तक आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको कॉन्फिडेंस रहना है, अपने एटीट्यूड में रहना है, बंदा जो भी बोल रहा है खराब बोल रहा है अच्छा बोल रहा है, फिर उसके बाद आपको एक झटके में एटीट्यूड के साथ कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लाई देना है, ठीक है, मतलब उसको गुस्सा भी नहीं करना है भाई, ये तो कम बात है, और कुछ हो तो बता यार, बिकॉज ये तो नॉर्मल कॉमन बात है, ऐसे बोलना है आपको, ऐसे नहीं कि भाई बस भाई इतना ही दम है तेरे में औकात हो गया, ये नहीं बोलना भाई, ये कभी नहीं बोलना, इस बिजनेस में झगड़ा ये सब कुछ नहीं चाहिए, क्लैशेस कॉम्पिटिशन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे पहले उसकी बातें सुनना है कि ये क्या बोल रहा है, अच्छा ये बोल रहा है, ये कंपनी के बारे में ये बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, ये कंपनी तो फ्रॉड है, ये ठीक है, बट ठीक है भाई थैंक यू सो मच, बट ये तो भाई कॉमन बात है, ये सब सारे लोग बोलते हैं, उसमें तो कोई बात है नहीं, प्यार से हमको बोलना है, रिप्लाई देना है एटीट्यूड से, ऐसे ना कुछ हुआ ही नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है, ऐसा गुस्से में आके भाई बोलना नहीं है कि भाई तुझे क्या पता तेरी औकात क्या है ये प्रोडक्ट खरीदने में, ऐसा बोलोगे
खत्म भाई खत्म, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट, नेवर रोल द कन्वर्सेशन, मींस बातों को घुमाओ मत, राइट, बातों को कभी मत घुमाना कि भाई ये वो है, ये है, ये कंपनी ऐसी है, वो सी है, नहीं भाई, बातों को कभी नहीं घुमाने का इस बिजनेस में। ये प्रोडक्ट ना आपको हवा में पहुंचा देगा, भाई ये तो फालतू की बात है, ये मतलब बातों को घुमा के फायदा नहीं है, सीधा घुमा के तो आपको सीधा जमीन पे ले आएगा, राइट। सो नेवर रोल द कन्वर्सेशन, बातों को इतना ऊंचा उड़ाओ मत कि भाई ये है वो है, आपको यहाँ पे 1 लाख रुपया पहले महीने से मिलेगा, बार फिर पता चलता कि ये कुछ है ही नहीं, राइट। नेवर रोल द कन्वर्सेशन, बातों को घुमाना मत इस बिजनेस में। बहुत सारे बंदे होते हैं भाई घुमाते हैं, भाई अरे भाई ये वो घुमाते, अरे भाई आज नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, राइट। इन्विटेशन जब देते हो ना, बंदा बोलता है कि आज नहीं हो पाया, कल होगा, कल ये वो, नहीं करना ये सब, नेवर रोल द कन्वर्सेशन, बातों को घुमाना नहीं है। सिक्स पॉइंट आ जाता है, वॉइस शुड बी क्लियर। अभी देखो यहाँ पे वॉइस शुड बी क्लियर मतलब आपका अच्छा माइक होना जरूरी है, ऐसा भी नहीं कि आपको एकदम 10,000-20,000 वाला माइक मिला है, आपको यहाँ पे 500-600 का भी अच्छा माइक मिल जाता है। ये सब छोटी छोटी बातें जो आपको जानना जरूरी है, इनफैक्ट आज सबके घर में रहते होंगे, आई थिंक सो। वॉइस शुड बी क्लियर एंड वाईफाई, राइट, वाईफाई भी होना जरूरी है, बिकॉज मीटिंग कर रहा हो कोई, या मीटिंग आप कर रहे हो, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, अगर बीच में नेट अटक गया तो बहुत प्रॉब्लम आती है। ये इफेक्ट पड़ता है अपने रिक्रूटमेंट्स को, या अपने अप्लायंस को, या बिजनेस पार्टनर को इफेक्ट पड़ता है कि ये बंदा भाई अच्छे से, इसका वाईफाई नहीं है, आपको क्या सिखाएगा, इफेक्ट पड़ता है। एंड ये लोग करते हैं, एंड लोगों को जज करना बहुत ईजी है, लोग तो जज आपको इजीली कर लेंगे कि भाई बंदे के पास वाईफाई है नहीं, हमको क्या सिखाएगा, बंदे के पास माइक है नहीं, अच्छा हमको क्या सिखाएगा। वॉइस शुड बी क्लियर ताकि वो अटके नहीं, वाईफाई होगा तो ताकि वो अटके नहीं। सो या क्वाइट बैकग्राउंड ड्यूरिंग टॉक एंड मीटिंग, देखो बैकग्राउंड में क्वाइट होना सबके बस की बात नहीं होती। इनफैक्ट मेरे बाहर अभी फेस्टिवल चल रहा है जहाँ पे स्पीकर लगा के गाना बज रहा है, तो उसको हम रोक नहीं सकते, राइट। ऑब्वियसली उनको जाकर तो बोलूंगा नहीं कि भाई प्लीज गाना रोक दो, मुझे वीडियो बनाना है, मुझे मीटिंग्स करनी है, वो तो रुकेगा नहीं, उल्टा मैं पिट के आ जाऊंगा। बट बहुत सारे ऐसे होते हैं जगह जहाँ पे आप कर सकते हो, मेरे पास तो पीसी है, जिसके पास मोबाइल है, जिसके पास लैपटॉप है, वो एक शांत रूम में बैठ के ये सब कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, राइट। तो सबकी पास की बात नहीं है, बट फिर भी जो जितना कर सकता है उनके लिए बेस्ट। सो 8th पॉइंट है अपना, कीप योर सेल्फ डायरी पेन इन योर हैंड। ऑब्वियसली हमेशा अपने पास, ये जब भी मैं बात बता दूं ना, आपको लिखना है, डायरी रखना है अपने पास, पेन रखना है। यू कैन सी आई हैव अ डायरी जहाँ पे मैं खुद ये सारी चीजें लिख के रखता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं। जब आप भी लिख के रखोगे तो आप भी अपने जो रिक्रूटमेंट में आएंगे उनको ये बता सकोगे। सेम पॉइंट आपको बताना है, पूरा डिट्टो बताना है कि ऐसा में ऐसा होता है, ऐसा इन्विटेशन भेजते हैं, इसमें स्माइल करना है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है, एटीट्यूड रखना है, अपना ये करना है, वो करना है। सो ये है छोटी छोटी चीजें जो आपको करनी है। सो ठीक है, ये हो गया पॉइंट्स टू बी फोकस्ड ऑन।